हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड को किस करने के लिए मना क्यों कर दिया है। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे, और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों देखो, मोस्टली लड़कों के मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि लड़की जो है रिलेशनशिप में तो है, लेकिन किस करने के लिए मना क्यों कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कारण बताने वाली हूँ जिसके बेसिस पे ज़्यादातर लड़कियाँ जो है अपने बॉयफ्रेंड को किस करने नहीं देती हैं। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कारण लड़की खुद होती है। जी हाँ दोस्तों, देखो लड़कियों के नेचर के बारे में आपको पता है, मोस्टली लड़कियाँ इस नेचर की होती हैं कि वो हमेशा ये चाहती हैं कि लड़का ही पहल करें, ठीक है। वो कभी भी ये दिखाती नहीं है कि वो उन्हें किस करना चाहती हैं, और ये चीज़ वो पहले तो नाना करती रही हैं कि हाँ उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो किस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती, इस तरीके से जताती हैं। तो मेन रीज़न ये होता है उनका मना करने का कि वो अपने आपको या अपने कैरेक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं, ऐसा दिखाती हैं कि उन्हें किस करने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर रिलेशनशिप में आने के बाद वो प्यार रोमांस में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए मोस्टली लड़कियां जो हैं किस करने के लिए मना करती हैं। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये होता है जिससे मोस्टली लड़कियाँ जो हैं किस करने के लिए मना करती हैं, वो लड़कियों की थिंकिंग और उनके थॉट। जी हाँ दोस्तों, देखो आजकल के टाइम में लड़के जो होते हैं मोस्टली इसी बेसिस पर रिलेशनशिप में आते हैं या किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाते हैं कि उनके साथ में बस रोमांस या किस करना या फिर टाइम पास करना, ठीक है। और ये चीज़ें ना लड़कियों को लड़कों की बातों से पता चल जाती है, वो उनसे बात करते ही समझ जाती हैं कि आखिर उस लड़के के इरादे क्या हैं या उनके मन में कौन सी ऐसी बात है, वो किस मोटिव के साथ उनके साथ में रिलेशनशिप में हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाती हैं और इसी वजह से वो अपने पार्टनर या लड़के को किस करने के लिए मना करती हैं, ठीक है, अवॉइड करती रहती हैं। इसके अलावा अगला रीज़न ये होता है, वो है उनके रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, देखो बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना मतलब कि आपकी पार्टनर का आप पर ट्रस्ट ना होना, आप पर भरोसा ना होना, किसी भी तरह का डाउट होना, ठीक है, कि अगर वो आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करती है, आपके रिलेशनशिप में प्यार की कमी है, फीलिंग्स की कमी है, तो भी लड़की आपको कभी भी किस नहीं करने देगी। बेशक उनका पार्टनर उन्हें ये बोलता रहे कि वो उनसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, उनके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, लेकिन जब तक उस लड़की को अपने पार्टनर पे, अपने बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती, तब तक वो किस करने के लिए हमेशा अवॉइड करते हैं। इसके अलावा एक रीज़न ये भी होता है, वो है रिलेशनशिप में आने का कुछ लड़कियों का मेन मोटिव ये होता है सिर्फ बातें बातें करना या टाइम पास करना। वो किसी ऐसे मोटिव के साथ नहीं आती कि रिलेशनशिप में है तो वो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे या फिर रोमांस करेंगे, अपने पार्टनर के साथ पार्टनर को किस करेंगे, ये चीज़ नहीं, सिर्फ एज ए टाइम पास के तौर पे वो रिलेशनशिप करती है मौज मस्ती करने के लिए। तो इस वजह से भी कुछ लड़कियां जो हैं अपने पार्टनर को किस करने के लिए मना करती हैं। इसके अलावा अगला रीज़न ये होता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से साफ़ सुथरा दिखाना चाहती हैं, लाइक अपने कैरेक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, ठीक है, उनका किस या रोमांस से रिलेटेड किसी भी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, अपने आप को दिखाती हैं। वो लड़कियों के सामने अपने कैरेक्टर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहती हैं, इस वजह से भी कुछ लड़कियां जो हैं अपने पार्टनर को किस करने की पहल नहीं करती हैं, किस करने के लिए मना करती हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।